हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर चैनल टू द कुकिंग एंड मच मोर तो आज मैं बना रही हूँ स्टफ्ड बैंगन का है या तो फिर एक प्लांट का है या तो फिर भरवा बैंगन का है तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं उसके पहले आपने करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए जैसे कि ड्राई कोकोनट थोड़ा तिल अदरक और लहसुन और धनिया पत्ता तो आप देख सकते हो किस क्वांटिटी में मैंने लिए है और इसमें मैंने ऐड किया है भुना हुआ पीनट उसका पाउडर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पीनट को डायरेक्ट भून के भी ऐड कर सकते हो और अब इसका हमें बना देना है मसाला यानि पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल के और इसका मसाला मैंने बना दिया है और अब मैं इसको निकालूंगी एक प्लेट में और अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़ा सा नमक सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट और ये होममेड मसाला होता है जो हर एक महाराष्ट्रियन के घर में बनता है और ये साल भर का बनता है और इसमें हर एक चीज़ होती है जैसे कि प्याज़ अदरक लहसुन हल्दी मिर्ची हर एक चीज़ होती है इसमें तो आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती तो जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो तो जानते ही होंगे और ये मसाला मैंने जो बना लिया है अब मैं सेम मिक्सी जार में पीस लूँगी अनियन और टमाटर को तो एक मीडियम साइज़ का अनियन और एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने ले लिया है और इसका मैं बना दूँगी पेस्ट कुछ इस तरीके से और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल तो तीन से चार टेबल मैंने ऐड किया है ऑयल और अब मैं इसमें तड़के के लिए ऐड करूँगी ज़ीरा और करी पत्ता तो करी पत्ता अगर आपने ऐड करना है तो करें वरना ऑप्शनल है लेकिन इस करी में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है करी पत्ते का और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी अनियन और टमाटो का प्यूरे जो बनाया था और इसे हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे अनियन और प्याज और टमाटर को थोड़ा टाइम लगता है एक साथ भूनने के लिए जब तक ये भुन रहा है तब तक आ, मैं आपको दिखाती हूँ तो बैगन को जो है आपने इस तरह से कट कर लेना है पूरा कट नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें मसाला जो हमने बनाया है उसे स्टफ़ करना है तो कुछ इस तरीके से जो है आपने मसाला स्टफ़ करना है और मसाले में ज़्यादा पानी ऐड ना करें वरना आप जो है मसाला स्टफ़ नहीं कर पाओगे आई नो बहुत से लोग ये रेसिपी बनाते हैं खासकर महाराष्ट्र में आ, हर एक का शायद स्टाइल अलग होगा और हर एक अलग अलग यू you नो know, वो बहुत वेज है आ, मसाला बैंगन बनाने के तो उसमें से एक तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही झटपट और हमें ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं करने पड़ते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है तो कुछ इस तरीके से हमने पूरे बैंगन को जो है मसाला ऐड करना है यानी स्टफ़ करना है कुछ इस तरीके से और मैं सारे बैंगन जो है वो रेडी कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने चार बैंगन लिए थे और ये चारों पे मैंने मसाला ऐड किया है और स्टफ़ किया है और ये इतना मसाला हमारा बाकी है तो यहाँ पे प्याज़ और टमाटर जो है वो अच्छे से भुन गए यू कैन सी के ऑयल जो है वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्टफ्ड बैंगन या एग प्लांट और इस टाइम पे आपने कर लेना है गैस फ्लेम को लो ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना और बैंगन भी जो है वो अच्छे से हमारे मसाले के साथ थोड़े से भुन जाए और इसको हमने चलाना है बहुत हल्के हाथों से आ, थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं इसे ढक के रख दूँगी एक से दो मिनट के लिए सो so, uh, यहाँ पे एक से दो मिनट हो चुका है साथ ही में मैंने दूसरी स्टोव पे जो है गर्म पानी रख दिया है ग्रेवी के लिए और मसाला भी और बैंगन भी जो है वो अच्छे से हमारे भुन चुके हैं थोड़ा सा कलर जो है वो बैंगन का चेंज हो जाता है इसके बाद मैं ऐड करूँगी जो मसाला हमारा रह गया था उसे और उसको हमने अच्छे से भून लेना है और बैंगन के साथ मिक्स करना है और इस टाइम पे भी जो है हमारा गैस फ्लेम स्लो ही रहेगा क्योंकि मसाले जो है हमारे जलेना और एज आई सेड मैंने एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किए हैं क्योंकि मैंने वो होममेड जो मसाला होता है वो मैंने ऐड किया है अगर आप वो यूज़ नहीं करते हो तो आप हर एक मसाला यूज़ कर सकते हो लाइक हल्दी धनिया पाउडर गरम मसाला ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करनी होगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार से और पानी जो है हमने गरम पानी ऐड किया है कॉज ग्रेवी का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और कलर भी काफ़ी अच्छा आता है और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने वापस से इस को ढक के रख दिया है दो मिनट के लिए ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और सी कलर भी कितना अच्छा प्यारा सा आता है और हमारा मसाला और बैंगन जो है वो हाफ़ डन यहीं पे हो चुके हैं और अब आपने ऐड करना है पानी ओबियसली गर्म पानी जितना आपको ग्रेवी चाहिए या जैसे आपने मसाला बनाना है उतना अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हो तो ज़्यादा ऐड कीजिए या तो फिर अगर मसाला चाहते हो तो थोड़ा कम कीजिए और यहाँ पे मैंने ढक के रख दिया है अब हमने अच्छे से बैंगन को कुक करना है और आ, कम से कम आठ से नौ मिनट लेंगा ये बैंगन कुक होने के लिए और ये बैंगन पे भी डिपेंड है कि आप किस साइज़ का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर हमारा भरवा बैंगन या स्टफ बैंगन या मसाला बैंगन जो भी कहे वो रेडी है आप भी बनाए एंजॉय किए कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय